नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है उधमपुर से दुर्ग तक चलने वाली उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है उधमपुर से दुर्ग तक चलने वाली उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये जो ट्रेन है अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका ट्रेन नंबर है 20,848। ये जो ट्रेन है उधमपुर जम्मू कश्मीर से हर बृहस्पतिवार को रात को 11:55 पर ये रवाना होती है और 33:10 बाद दुर्ग जंक्शन में सुबह 9:05 पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 23 स्टेशन है, 1911 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 58 किलोमीटर पर आवर, यानी आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज भी जोड़ा जाएगा। और ये LHP कोसी वाली ट्रेन है, वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। अगर बात करें उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूट मैप के बारे में, तो ये जो ट्रेन है उधमपुर से स्टार्ट होती है, बाद में जम्मू तवी होते हुए पंजाब के पठानकोट, जलंधर, लुधियाना को क्रॉस करती है, फिर हरियाणा में अंबाला कैंट होते हुए दिल्ली में पहुंचती है, फिर आगरा, झांसी, कटनी, मरवारा, अनूपपुर जंक्शन, उसलापुर, रायपुर जंक्शन होते हुए ये दुर्ग जंक्शन छत्तीसगढ़ में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें इस ट्रेन के टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो उधमपुर से दुर्ग जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसमें वैसे फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। अगर फर्स्ट AC के टिकट किराए के बारे में बात करें, तो उधमपुर से दुर्ग तक का जो फर्स्ट AC का किराया है वो है 4,915 रुपये, जिसमें 4,546 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 234 रुपये है, टोटल किराया 4,915 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड AC के कोच भी हैं। सेकंड AC का जो टोटल किराया है वो है 2,885 रुपये, जिसमें 2,652 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है और GST चार्ज 138 रुपये है। टोटल किराया 2,885 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो टोटल किराया है उधमपुर से दुर्ग तक का वो है 2,000 रुपये, जिसमें 1,819 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 96 रुपये है। टोटल किराया 2,000 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, जिसका उधमपुर से दुर्ग तक का जो टोटल किराया है वो है 765 रुपये, जिसमें 715 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है। टोटल किराया 465 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के 3 कोच हैं जो कि इंजन की तरफ लगाए गए हैं। उधमपुर से दुर्ग तक का जो जनरल डिब्बों का किराया है वो है लगभग 450 रुपये के करीब। ये किराया अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से किराए जो है कन्फर्म जरूर करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 20,848, उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर का स्टेशन है, यहाँ से हर बृहस्पतिवार को रात को 11:55 पर यह एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 33:10 बाद यह दुर्ग जंक्शन में पहुँचती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है जम्मू तवी, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 12:50 पर पहुँचती है और 1 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 53 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद पंजाब के पठानकोट कैंट में ये ट्रेन जो है रात के 2:45 पे पहुंचती है और 3 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 152 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और हेमकुंट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। पठानकोट कैंट जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है जलंधर कैंट जंक्शन में पहुँचती है, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 4:55 पर पहुँचती है और 5:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 265 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है JRC। इसके बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन पंजाब में सुबह 6:03 पर पहुँचती है और 6:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 317 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है LDH। लुधियाना के बाद उधमपुर दुर्ग
सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो राजपुरा जंक्शन पंजाब में सुबह 7:19 पर पहुंचती है और 7:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 403 किलोमीटर की दूरी जो है उधमपुर से यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अम्बाला कैंट श्री गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अम्बाला कैंट जंक्शन जो कि हरियाणा का स्टेशन है यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 8 बजे पहुँचती है और 8:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस, कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस और मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है और इसका स्टेशन कोड है UMB। इसके बाद न्यू दिल्ली में यह ट्रेन जो है सुबह 10:50 पर पहुँचती है और 10:11:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 25 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पश्चिम एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है और सियालदा बीकानेर इसी दुरंतो एक्सप्रेस के साथ भी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। 25 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। आगरा कैंट उत्तर प्रदेश में दोपहर के 1:55 पर पहुंचती है और 2 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। और इसके बाद उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो ग्वालियर जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है दोपहर के 3:50 पर और 3:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 943 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है GWL। इसके बाद ये ट्रेन जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन में शाम के 5:20 पर पहुंचती है और 5:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 8 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1040 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है VGLB। इसके बाद बीना मलखेड़ी जंक्शन मध्य प्रदेश में ये ट्रेन जो है शाम के 7:38 पर पहुंचती है और 7:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है सागर रेलवे स्टेशन पे या सागर रेलवे स्टेशन पे रात के 8:33 पर पहुंचती है और 8:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1263 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। दामोह रेलवे स्टेशन पे उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है रात के 9:33 पर पहुंचती है और 9:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 9:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। कटनी मुरवारा में रात के 11:30 पर पहुँचती है और 11:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कटनी मुरवारा के बाद ये ट्रेन जो है शाडोल रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 2:12 पर पहुँचती है और 2:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन अनूपपुर जंक्शन में रात के 3:02 पर पहुंचती है और 3:07 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में ये ट्रेन जो है रात के 3:45 पर पहुंचती है और 3:47 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है PND। इसके बाद उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसलापुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ में सुबह 6:05 पर पहुंचती है और 6:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है USL और 1760 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन भाटापारा रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ में सुबह 7:01 पर पहुंचती है और 7:03 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद तिलदा नेवरा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है सुबह 7:23 पर पहुंचती है और 7:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और उधमपुर से यहाँ तक की जो दूरी है 1836 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन रायपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ में सुबह 8 बजे पहुंचती है और 8:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1874 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। रायपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है R। और इसके बाद उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन दुर्ग जंक्शन छत्तीसगढ़ में
सुबह 9:05 पे पहुंचती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक कि जो टोटल दूरी है 1911 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।